झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपा पंडित। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल और देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, आगे क्या कर सकते थे, ऐसे तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हमने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया है प्रभाग क्रमांक 33 भगवान नगर के नगर सेविका विशाखा बांते मैम को। मैम सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं विशाखा शरद बांते प्रभाग 33 कोची नगर सेविका। मैम ये बताइए कि ये 5 साल का जो अनुभव रहा काफी खट्टा मीठा रहा, क्योंकि इन 5 सालों के कार्यकाल में कोरोना जो है कोरोना की मार बहुत भयंकर पड़ी, तो इस दौरान आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? तकलीफ कोरोनाच्या काळामध्ये मराठीत सांगते कोरोना माझ्या सगळ्यांनाच माहिती होतं कोरोना हे काय आहे, तर कारण कोणी असं म्हणजे जेव्हा चालू झालं ते कोरोना, ते कोरोना काय आहे हे माहिती नव्हतं लोकांना, म्हणजे पब्लिकला माहिती नव्हतं, पण नंतर ते हळूहळू लोकांना समजायला लागलं कोरोना काय आहे, त्याच्यापासून काय होतो, लोक मरायला लागलेत, कोणी म्हणजे आजारी व्हायला लागलेत, पैसे म्हणजे आपण दवाखान्यात ऍडमिट झाल्यावरही आपण वाचू शकत नव्हतो एवढी शाश्वती होती। आणि नंतर कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांना थोडा जरी कोरोना म्हणजे थोडा सिम्पटम्स वगैरे असले तरी लोकांना म्हणजे महानगरपालिका वगैरे त्यांचे डॉक्टरची टीम वगैरे येऊन त्यांना चेकअप करायची, त्यांना औषध द्यायची, आणि सिम्पटम्स हे असल्यावरही त्यांना माहिती आहे का क्वारंटाईन करून घ्यायची। क्वारंटाईन केल्यावर माहिती आहे त्यांना 15-15 दिवस त्यांना क्वारंटाईन ठेवलं जायचं। क्वारंटाईन ठेवल्यानंतर मग नगरसेवकांचं काय हे असतो का, तर मग त्यांच्यापर्यंत जाणे त्यांना काय पाहिजे आहेत, कोणत्या खाण्याच्या वस्तू, काही औषधी लागल्या, कुठलं मास्क लागलं, कोणी सॅनिटायझर लागलं, तर ते आम्ही आमच्या माध्यमातून पोहोचवायचं त्यांना। आणि अजून एक दुसरी दुसरी लहर आली त्यावेळेस आम्ही माहिती आहे का माझे मिस्टर, मी आमचे कार्यकर्ते, आमच्या परिसरातली मित्रमंडळी या सगळ्यांना घेऊन आम्ही किचन तयार केली होती। त्या किचनमध्ये आम्ही 1000-1200 लोकांना रोज जेवण द्यायचं, रोज 15 दिवस आम्ही ते केल्यानंतर आमच्या पार्वती नगरला एक कोरोना पेशंट आढळल्यामुळे, जेव्हा जास्तच जरा कोरोनाचं हे लहर असल्यामुळे आजूबाजूला जर कोरोना पेशंट निघाला किंवा मृत्यू पावला तर माहिती आहे का तेवढ्या भागामध्ये म्हणजे गर्दी होणार नाही या उद्देशाने ते आम्ही बंद केलं। मग आमच्या पार्टीकडनं पण आलं की बा तुम्ही आता ते किचन वगैरे बंद करा, कोरोना वाढते तुमच्या प्रभागामध्ये, तर आम्ही ते मग 15 दिवस चालवले। तसं तर आम्ही म्हणजे जोपर्यंत लॉकडाऊन राहणार होतं तोपर्यंत आम्ही ते किचन चालवणार होतो, 1000-1200 जितके लोक आले नागरिक आले त्या ठिकाणी अन्न घ्यायला सगळ्यांना आम्ही ते अन्न पुरवणार होतो, पण त्या तशी जी घटना घडल्यामुळे ते आम्ही 15 दिवस चालवलं नंतर ते बंद केलं। पण लोकांचे नंतरही म्हणजे प्रभागातले जे काही गरीब बिचारे होते हातमजुरी करणारे लोक होते त्यांची जरा मग नंतर बिकट परिस्थिती आली, आणि असं आम्ही तो एक उपक्रम त्या कोरोनाच्या काळामध्ये केला। सबसे पहला क्वेश्चन इसीलिए मैम मैंने ये कहा कि इन 5 साल के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल तो कोरोना की ही भेंट चढ़ गया और बचा 2.5 साल तो बहुत ज्यादा विकास कार्य जो है आपके प्रभाग में पेंडिंग है, तो इसके तो खैर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे बताइए कि फंड की कितनी दिक्कत आती है इस प्रभाग में? फंड की दिक्कत तो नहीं आती मैडम, क्या कारण माहिती आहे का, आमचे जेव्हा मी निवडून आली 2017 त्यावेळेला आमचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री आणि आमच्या मतदारसंघाचे ते आमदार आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला निधी म्हणजे कमी पडत नव्हता,
तर बऱ्याच विकास कामं झालेली आहेत प्रभागामध्ये. सिमेंट रस्ते सगळीकडे झालेले आहेत. आपण मोठ्या मोठ्या गडर लाईन टाकल्या, काही ज्या छोट्या असतील त्या पण आपण महानगरपालिकेच्या माध्यमातून टाकलेल्या आहेत. आणि समाजभवन आहेत आपल्या प्रभागामध्ये, काही अजून नव्याने समाजभवन तयार होणार आहेत. आणि असा बराचसा निधी म्हणजे फडणवीस साहेबांनी दिलेला आहे. मतलब बीजेपी की पार्टी सत्ता में होने की वजह से बहुत सारे जो अटके हुए काम थे वो आपने इन 2.5 सालों में लगभग पूरा किया है। किए जी हाँ। दोस्तों कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस नारे के पीछे राष्ट्रीय एकता ही एकमात्र अर्थ होता है. जैसे देश को समझने की जरूरत है तो वैसे ही हमें कई बार हमें सुनने में आता है कि देश में कई सरकारें आती है, कई सरकारें चली जाती है, लेकिन देश वही रहता है और जनता वही रहती है. कितना इन 5 सालों में आपको जनता का प्यार मिला है? बहुत मिला है. बहुत मिला है. ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जनता से ऐसा कोई नफरत नहीं मालूम है क्या. अच्छा क्रिसमस मिला और मेरे पति भी पहले 2 बार नगर सेवक रह चुके हैं, तो उनका भी जरा बहुत अच्छा कार्यकाल रहा. मतलब राजनीति का जो है वो आपके परिवार से शुरू है, क्योंकि 2 बार आपके जो हस्बैंड है शरद बांते सर वो नगर सेवक रह चुके हैं उस वार्ड में, और तीसरी बार आपको मौका मिला है. तो बहुत ज्यादा जो है एक राजनीति और सामाजिक कार्य जो है दोनों दायित्व जो है आप भली भांति अभी निभा रही है. ये बताइए कि क्या नगर सेवक के लिए पार्टी का होना जरूरी है? क्या आप किसी एक पार्टी को बिलोंग करती हैं इसलिए, जैसा कि आपने कहा कि मैं बीजेपी से थी तो मुझे फंड की दिक्कत नहीं आई, तो अगर क्या आप कांग्रेस से होती तो आपको वार्ड की दिक्कतें जो हैं उनको दूर करने में दिक्कतें होती थी? होती थी ना, थोड़ा जी. ये बताइए कि अभी आपके वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या है जिसको अगर आप आने वाले दिनों में चुनाव लड़कर आती हैं तो उसको सबसे पहला पूरा करेंगे आप? थोड़ा तो मालूम है कि हमारे प्रभाग में यानी थोड़ा गडर लाइन का प्रॉब्लम ज्यादा. गडर लाइन का प्रॉब्लम ज्यादा कैसा है, लोगों ने मालूम जो गडर लाइन की जगह है वो लोगों ने मालूम है कुछ किसी किचन बनाई, किसी ने कंपाउंड वाल डाली, इसकी वजह से नहीं गडर कंजेस्टेड हो गई है, नहीं डाल सकते हो तोड़ो. वो लोग बोलते मालूम है कि तुम तोड़ो, नगर सेवक बोलते तुम तोड़ो, हमने बांधे तुम तोड़ो. हाँ आजू बाजू के लोग फिर नाराज हो जाते हैं. जी बिल्कुल, नगर सेवक का भी जो काम है वो अपने दायरे में रहकर किया जाता है, जनता के हित में और जनता के अहित में जाके काम नहीं कर सकते. दोस्तों एनबी सिंह की खास मुलाकात नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर आमंत्रित किया था प्रभाग क्रमांक 33 की नगर सेविका विशाखा बांते मैम से. उन्होंने एक चीज जो है वो बहुत ही अच्छी कही है कि मैं कभी भी किसी राजनीति पार्टी से नहीं रही हूँ, लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड जो है वो पिछले 10 सालों से 2 बार वहाँ नगर सेवक के पद पर रह चुके हैं और तीसरी बार एक मुझे मौका मिला है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इन 5 सालों में जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं, और आने वाले दिनों में अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं लगभग उनकी सभी समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगी. दोस्तों इनविजन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही. मैम एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मैडम, निश्चिंत का भी धन्यवाद. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक दूसरी नगर सेविका को लेकर, तब तक के लिए आप देखते रहिए इनविजन न्यूज. नमस्कार. झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब. क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वारा.